से किसी नाम का मोहताज तो है ही नहीं, आपको सबको पता ही होगा। बाकी आप यहाँ का इस समय का मेन्यू देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ टुंडे मटन कबाब और लूंगा 4 रुमाली रोटी। तो पहले ऑर्डर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका स्वाद। तो दोस्तों पैकिंग काउंटर और खाने का जो डिपार्टमेंट है वो नीचे, वहां ले चलता हूँ आपको। मिल चुकी है दोस्तों, पूरा फुल पड़ा है, बस हमें लकी एक टेबल हमारे, तो हमें एक टेबल मिल चुकी है। देखिए बिल्कुल फुल पड़ा है। तो दोस्तों इस समय मैं बैठा हुआ हूँ टुंडे कबाबी के पास और यहाँ का मेन्यू मैंने देख लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करा है मटन गुलाटी कबाब और साथ में मैंने ली है रुमाली रोटी। तो देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है और यहाँ रेट के हिसाब से ये कैसा लगेगा हमें। तो मैं हर एक की अपडेट आपको देता रहूँगा, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये देखिए आप, ये दिखाता हूँ, ये है मटन गुलाटी कबाब टुंडे कबाब जो फेमस है यहाँ के। ये है मुगलई पराठा, इसके साथ खाने में इसका अलग ही स्वाद होता है जैसा हमें बताया गया है। ये सैलड मंगाया है और ये थोड़ी हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। चलिए देखते हैं कैसा है टेस्ट, वो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का स्वाद। सबसे पहले ये मैंने बनाया मुगलई पराठा, उन्होंने रोटी को मेरे से मना कर दिया था, कहले कि यहाँ के ये वाले पराठे खा के देखो। फिलहाल ये बहुत ही सॉफ्ट है, पूरा मटर का स्वाद आ रहा है और जीत के रखते ही घुल जा रहे हैं, जैसे सब बताते हैं वैसा ही है। बाकी मैं इसके साथ बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। लखनऊ आना पूरा पूरा वसूल है इस टुंडे कबाब का। सब जने जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर मैंने ये देखा है जो फेमस दुकानें होती हैं उनके पास स्वाद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्वाद भी है, क्वालिटी भी है और प्राइस भी अच्छा है, मेरे हिसाब से कम था। तो दोस्तों यहाँ पे टुंडे कबाब के साथ साथ मैंने यहाँ पे चिकन के ये कबाब मैंने मंगा लिए थे, सीख कबाब, इसे भी चख लेते हैं यहाँ पे। ये भी वैसे सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत बढ़िया स्वाद है दोस्तों, जैसे नई दिल्ली में मिलते हैं उसी तरीके का स्वाद है, उससे थोड़ा अच्छा ही बोलूँगा मैं। हरी धनिया की जो चटनी दे रखी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो इस समय हमारे साथ है आरती शर्मा और हम टुंडे कबाबी के यहाँ रेट खा रहे हैं और इनके आगे पूरी मैंने पतीला, ये जो आप देख रहे हैं मैंने ये इन्होंने खुद ही पार कर दिया है, ठीक है, पार कर दिया है ये, इन्होंने खा के पार कर दिया है इसे। इससे दुनिया ये जाने टुंडे कबाबी कितनी गजब की चीज है, ठीक है, मैं अकेला खा सकता हूँ इसको पूरा, तो सोचिए लोग पैसा खर्च ही तक आएंगे। ठीक है सर, टुंडे कबाबी द बेस्ट, आपके जैसे पुलिस वाले हों तो मजा आ रहे हैं। अरे नहीं, पुलिस वाले की बात नहीं है, बदनाम है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारी चीज है, हम यही खाएंगे यही जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डिनर करके और जो ये टुंडे कबाब का मेरा एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक था। इनके टेस्ट को मैं 9 out of 10 नंबर देना चाहूँगा। इनके जो मटन की जो क्वालिटी थी बिल्कुल बढ़िया थी और जो आपको डिश मिलेगी बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, क्योंकि ये साथ के आते बना के सामने हमारे सब कुछ कर रहे हैं तो वो थी बिल्कुल फ्रेश है। साथ ही साथ जो सर्विस है उसके लिए मैं इन्हें 6 नंबर देना चाहूँगा 10 में से, क्योंकि यार सर्विस मेरे को कुछ ज़्यादा ही स्लो लगी, वो आप लोग जो है आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके बहुत से कमेंट आते हैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आ रहे, तो उसका मेन रीजन यही है कि कब जब हम मेहनत करके कोई वीडियो डालते हैं और वो ज़्यादा नहीं चलती है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती। तो प्लीज़ आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा करें ताकि वीडियो चल सके और रेगुलरली अपडेट आती रहे।
और आप रेगुलर प्यार देंगे तो मन भी करेगा बहुत सारी वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट डालने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए।